साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में यूपीपीएससी प्रीलिम्स में टर्मिनल्स में आपके कह सकते हैं कि हिस्ट्री में भी आपके मिडिल हिस्ट्री और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उनको डिस्कस करेंगे। और याद रखिए, 2019 में केवल मिडिल और मॉडर्न से क्वेश्चन आए थे, एंशियंट से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन कुछ करीब 20 से 22 क्वेश्चन हो जाएंगे हिस्ट्री के। आइए इनको देखते हैं जल्दी जल्दी और कैसे उनको इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइंस सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक है जो साइंस सम्मिलित नहीं है। चलिए ठीक है, जो दाम है, सही बात है, दाम जो है वो ताम्र की मुद्रा होती है उसको हम दाम कहते थे, सही बात है। जो देसाई होते थे वो राजस्व अधिकारी होते थे, जो दीवान होता था वो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, बट जो जरीब होता था, जरीब एक कर नहीं होता, आज भी जरीब चलती है, जरीब एक कर नहीं होता है। जरीब जो होता है वो जमीन के मापने का एक या भू राजस्व का एक कह सकते हैं कि एक इकाई होती है, मतलब डिस्टेंस मापती है, तो मापने का डिस्टेंस मापने के लिए जरीब का यूज होता है, आज भी है जरीब का यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा डी गलत है, बाकी सब क्या है सही है। इसमें देख रहे हैं हम सूची को, सूची दूसरे में सम्मिलित करना ही करते हैं। अब इसमें एक तरफ में सूची है और एक तरफ सूची दो है। देखिए, अब एक तरफ देख रहे हैं आपके कवि हैं या लेखक कह सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या क्या उनकी है, उनकी सारी ये कैसे रचनाएं हैं। आपको पता होगा आमिर खुसरो है, दामोदर कवि है, मुल्ला दाऊद है। देखिए, पद्मावत अलग है और पद्मावती कथा अलग है, अधिकतम लोग यही गलत करेंगे। ठीक है, जो आपकी पद्मावती कथा है इसके लेखक जो है वो दामोदर कवि हैं। कौन है? हाँ, वही जब मलिक मोहम्मद जायसी होते तो वहां पद्मावत होता, यहाँ पद्मावती कथा की बात हो रही, इसके लेखक कौन है आपके? दामोदर कवि हैं। इस तरह जो आशिका है इसके लेखक कौन आपके? आमिर खुसरो साहब है। दो को मिलाएंगे तो मुझे लगता है पूरा काम बन जाना चाहिए। ठीक है, जो सोमनाथ है, सोमनाथ ने क्या लिखा था? राग विभोद। क्या लिखा था? राग विभोद के लेखक कौन है आपके? सोमनाथ जी हैं। और फिर बच्चे कौन हमारे? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद किसके लेखक कौन है आपके? बोला था आप किसके लेखक आपके? चंदन। मिला लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आप मिलाएंगे तो ऑप्शन मुझे लगता है क्या ये कौन सा बी, आइए देख लेते हैं। डी का टू, डी का टू, डी का टू, डी का टू, अच्छा मतलब ऑप्शन बी हो गया सही, बाकी सारे क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन से कह रहा है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। बिल्कुल ये पैट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि अकबर को जो भाटा के राजा थे रामचंद्र जी, उन्होंने ही सॉरी तानसेन को, जो उनका नाम तनु था, उन्होंने इनको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा राम तनु पांडे इनका नाम था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो थी ग्वालियर के राजा मानसिंह के संरक्षण में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद वो फिर रीवा के राजा रामचंद्र जी के पास चले गए थे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, सूची को सूची दूसरे सम्मिलित करना है। ये देखिए सूची सम्मिलित करिए, ये अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें हमको मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग, अगर कभी कभी मूवीज देख लिया करिए, अगर आपने वो अलाउद्दीन खिलजी वाली मूवी देखी अगर आपको याद होगा, तो पद्मावती जो मूवी आई थी तो उसमें जो यादव वाला था, या कि यादव की जो राजवंश की जो राजकुमारी थी देवगिरी वाले थे, यादव किससे संबंधित आपके? देवगिरी से। तो जो काकती है, काकती किससे संबंधित आपके? वारंगल से। कहाँ से? वारंगल से। और आपको पल्लव पांडे चेर चोल ये सब पता ही होगा। जो पल्लव है, पल्लव की राजधानी कहाँ थी हमारी? कांची थी। कहाँ थी? कांची। और पांडे की राजधानी क्या थी? मदुरई, मदुरई जो भी कह सकते हैं यही थी। ठीक है, आइए हम इसके अकॉर्डिंग मिला लेते हैं। तो सी का फोर, सी का फोर मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो गया? इलिमिनेट हो गया। इस तरह डी का ए, डी का ए मिलाते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही है, बाकी सारे क्या हो गए? गलत हो गए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित, आइए कोशिश करते हैं उनको उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने का। ठीक है, चलिए, कह रहा राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने अपनी मृत्यु से पहले ही, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही क्या कर दिया था? अपना बनवा लिया था। ठीक है, चलिए, अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें काल क्रमानुसार मतलब सबसे पहले कौन सा बना है। ठीक है, अटाला मस्जिद बनी है जौनपुर की, कि हुमायूं का मकबरा बना है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो आपके अटाला मस्जिद वो सबसे पहले ही बन गई थी। ठीक है, अटाला मस्जिद थी वो सबसे पहले बन गई थी, और इसको जो इब्राहिम शर्की थे उन्होंने 14वीं मतलब 13वीं शताब्दी में, मतलब 1408 या 10 में बनवा दिया था। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन फोर आ जाएगा। ऑप्शन फोर देखिए किसमें आया है, तो ऑप्शन फोर देख रहे हैं आपका बी में ही आ गया है। ठीक है, फिर भी और आगे चल लेते हैं। अब इसके बाद जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने अपने जिंदा रहते ही अपना मकबरा बना लिया था। तो देखिए टू आ गया, देखिए टू आ गया इससे पहले। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके हुमायूं आए, और लास्ट में क्या आता है? राबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद। तो ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं, मंसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। अच्छा सही है, देख लेते हैं। ठीक है, मनसबदारी का पद पैतृक था, नहीं मनसबदारी जो थी वो आपकी पैतृक नहीं थी। ठीक है, मनसब उन्होंने मतलब बोल ये रखा था भाई, जो मनसबदारी व्यवस्था में होता ही था कि मुगल काल में अकबर ने इसकी पद्धति को स्टार्ट किया था, उसमें जात और सवार का पद था। ठीक है, जैसे किसी को कुछ ना मनसब दे, इसका मतलब उसको अपने सैनिक होने चाहिए, ठीक
ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वंशानुक्रम नहीं था ये, उनको सैन्य शक्ति के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो केवल क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही है, केवल केवल आपका एक। अगला हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा जो आपका मार्कंडेश्वर मंदिर है, मार्कंडेश्वर मंदिर, ठीक है, इसी को हम विदर्भ का खजुराहो जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये वेन गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, और इसमें जो जिस तरह उत्तर भारत के नागर शैली के साथ साथ इसमें शैव वैष्णव शाक्य संप्रदायों से भी संबंधित मूर्तियां रखी गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कथन एक और दिए गए, कथन कांड दिए गए, स्टार्ट करते हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, आपको पता है अकबर भी मानता और शेरशाह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, तो ये तुम्हारा सही लग रहा है। ठीक है, कथन एक सही हो गया। ठीक, अब इसमें कह रहा है शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, दोनों ही सही है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मतलब ए और आर दोनों सही है, तथा ए आर की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने ऑप्शन उल्टा लिखे जान के, ए आर आर के दोनों सही था, आर ए के सही व्याख्या। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने बी सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी विदेशी को उनके आने के काल क्रमानुसार, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, ये विदेशी नहीं होगा, यहाँ पे मेनली युद्ध है। ठीक है, इन युद्धों का हमको काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है, तो याद रखिए निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, बिलग्राम, धर्मऊ, जजाऊ, ये तीनों ही बहुत ही फेमस युद्ध है। ठीक है, धर्मत का, जजाऊ का, फिर बिलग्राम का, आप अगर हिस्ट्री लॉन्ग टाइम से पढ़ रहे आपको पता होगा मध्यकालीन भारत में बहुत ज्यादा उपयोग है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सरनाल का युद्ध है, ये अकबर ने गुजरात जो अभियान उन्होंने किया था उस समय ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सब इन सब में इन तीनों, बिलग्राम में, धर्मत में, बिलग्राम में, धर्मत और जजाऊ में सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन टू देखिए सबसे पहले कहाँ है, तो ऑप्शन टू हमारा इन दोनों में दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आपको पता होगा कि धर्मत और जजाऊ, ठीक है, बिलग्राम, धर्मत और जजाऊ में कह सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ था, बिलग्राम के जस्ट बाद ही आपका सरनाल का युद्ध हुआ था, जो कि अकबर ने गुजरात के अभियान में किया था। मतलब बी का मतलब टू के बाद वन, टू के बाद वन किसमें है, तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकता प्रथा से एकता व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, विशेषता एकता व्यवस्था की कौन सी इसमें व्यवस्था है, आपको पता हो एकता भी एक राजस्व करने की व्यवस्था थी, तो अभी तुम्हारा सही है। ठीक है, फिर कह रहा है सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है, ये भी सही है। ठीक है, फिर एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाते थे, ना ये कहाँ से संभव है, सुल्तान सारा कैसे ले लेगा। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है एकता मुक्ति को एकता को इससे एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सही है। ठीक है, बट ये सारा का सारा एकता का राजस्व सुल्तान खाते में नहीं जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल उनके खिलाफ है, भले उनका उन्हीं का क्यों ना, तो ऑप्शन हमारा सी क्या है, गलत है, बाकी सारे क्या है, सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है निम्नलिखित में से हमारा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, 11 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, फिर देख लेते हैं, एक तरफ पुस्तक है, एक दूसरे तरफ उसके लेखक है, और हमारा तापका के नासिरी। ठीक है, तापके के नसारी इसके, हाँ इसके लेखक जो है मिनहाज उल सिराज जसलानी, 1911 के, क्वेश्चन बहुत हार्ड बना था। ठीक है, मिनहाज उल सिराज जसलानी, ये भी सही है। फिर कह रहा है तारिकी फिरोज शाही, हाँ शमसे सिराज अफीम, ये भी अफीक, ये भी सही है। फिर तुगलक नामा, अरे हाँ भाई तुगलक नामा के लेखक इब्न बतूता थोड़े थे, इन्होंने तो रेहला लिखे थे, इब्न बतूता ने क्या लिखे थे, रेहला लिखे थे, और जो तुगलक नामा था इसके लेखक खुद अमीर खुसरो था, कौन था इसका लेखक, आमिर खुसरो। तो ऑप्शन हमारे क्या, देखिए भले कुछ ना जानते हो बट आप गलत तो निकाल ही रहेंगे ना, क्योंकि तुगलक नामा बहुत फेमस है। ठीक है, और जो गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी है, ये भी सही है। ऑप्शन हमारे क्या आ जाएगा, सी गलत है, बाकी सारे क्या सही है। नेक्स्ट देखिए हमको मिलाना है कि कौन सी संधि कब हुई थी, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पक्का आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए मिलाते हैं, इलाहाबाद की संधि है, बेंगलोर की संधि है, सालबाई की संधि है, और आपकी मद्रास की संधि। आपको पता होगा जो इलाहाबाद की संधि थी अंग्रेजों और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, वो कब हुई थी, 1965 में, याद करिएगा, सॉरी 1765 में, जब लूट लिया तो उन्होंने। ठीक है, इतना आपको याद ही आ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैंगलोर की संधि है, जिसको हम बैंगलोर या मैंगलोर जो भी कह सकते हैं, जो मैंगलोर की संधि है ये सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था, वो भी कब हुआ था, 80 से 84 के बीच में, 80 से 84 के बीच में, जो किसके बीच में हुआ था, हमारा टीपू और अंग्रेजों के मध्य। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का टू क्या हो जाएगा, हमारा बी का टू, दो ऑप्शन को मिलाते हैं, ये ए का फोर, ए का फोर मतलब ये दो ऑप्शन हट गए, बी का टू। अच्छा देखिए बी का टू दोनों में ही सेम है, ठीक है, बी का टू क्या है, दोनों में ही सेम है,
और देखिए जो आपकी मद्रास की संधि थी, वो जो आपका फर्स्ट आपका एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 79 में, तभी हुआ था ये, ठीक है। तो मद्रास वाला क्या हो जाएगा, सी मतलब डी का थ्री, डी का थ्री मिलाइए, डी का थ्री मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही है, बाकी सारे क्या है गलत है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, डी डी का थ्री, डी का थ्री ठीक है। फिर आप कह सकते हैं कि ए का फोर, कुछ गलत मिल रहा है क्या, नहीं फिर से देख लेते हैं, इलाहाबाद की संधि 1967 ठीक है, ए का फोर, ए का फोर, अच्छा सॉरी मतलब सी ऑप्शन ठीक है, मतलब सी ऑप्शन से बाकी सारे गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए ए का फोर मिल गया ठीक है, फिर आपका टू का, बी का टू मिल गया ठीक है, ये भी सही है, मतलब हमारा सी केवल सही, बाकी सारे क्या है गलत है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ता है, दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमसे बोला है, सूची को सूची दो सम्मिलित करना है, पूना पैक्ट है, गांधी ऋण समझौता है, किस मिशन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगा रहे, पता है आपको चारों के चारों ही बहुत ही पास पास हुए हैं और बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख लेंगे कि सबसे पहले कौन सा हुआ था, ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले कह सकते हैं, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। और उसके स्टार्ट करने के बाद ही, ठीक है, जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो सीधे फिर गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी और इरविन साहब के बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, उसके समझौते के बाद ही फिर पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के लास्ट में फिर क्या हुआ, किस कमीशन को सबसे लास्ट में आया है, ठीक है। आपको पता है पैथिक लारेंस के साथ में जो आया था वो सबसे लास्ट में आया था। तो सबसे पहले हमारे क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ था, 1930 में हो गया था, कब हुआ था हमारा 1930 में, और इसी के साथ ही हमारा जो नमक सत्याग्रह वो स्टार्ट हो गया था। क्रिस्प मिशन आपको पता है सबसे लास्ट में आया था, 1942 में आया है, कब आया है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स के, ये 1942 में आया है, तो बहुत लास्ट हो गया। फिर जो गांधी इरविन समझौता है, ठीक है, जो गांधी इरविन समझौता है आपको ये भी पता होगा, और जो पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, ये भी आपको पता होगा। तो उससे पहले ही हमारा, ठीक है, उससे पहले हमारा क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हो गया था। तो ये देख लीजिए, पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, तो फोर, फोर ऑप्शन कहाँ है हमारा, फोर ऑप्शन हमारा सी में है, और फोर ऑप्शन के बाद ही हमारा क्या हुआ था, ये भी इरविन समझौता हुआ था, फिर आपका पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन मतलब क्रिस्टल मिशन, मतलब ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे क्या है गलत है। हमें से मिलाएंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से सही है, आपको पता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया, अच्छा, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, हाँ केवल यही सही है, ठीक है। आपका केवल दो सही है, और वो क्या है, देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निश्चय, हाँ सॉरी ये सही है, ये भी सही है हमारा, कि जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने ये सोचा था कि भाई सबको हम संगठित कर लेते हैं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हमारे देश की सुरक्षा हो सके, मतलब उनके उस समय उनके पास था, तो देश की सुरक्षा हो, इसके साथ साथ जो भी हमारा कर अच्छी तरह है, तो इसमें जो है एक और तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा एक और तो दोनों सही, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही है, बाकी सारे क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक अवरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बताया था, तो सिंपल सी बात है, सीआर फॉर्मूला कौन बनाएगा, आपके राजगोपालाचारी, किसने बनाया, सी राजगोपालाचारी साहब ने, ठीक है, किसने बनाया था आपका, सी राजगोपालाचारी साहब ने बनाया था। अब इसको सीआर फॉर्मूला को आप सीधे चितरंजन दास फॉर्मूला मत बना लीजिएगा, ठीक है, अपना गलत हो जाएगा। सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था आपका, राजगोपालाचारी साहब ने बनाया था, ठीक है, जिनका नाम ही था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एक राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1944 में हमारा सीआर फॉर्मूला दिया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। देखिए नाम से बड़ा ये कंफ्यूजिंग है, गूगल, ठीक है, इसके लेखक सीधे कौन है हमारे, विपिन चंद्रा साहब है, कौन है, विपिन चंद्रा साहब, जो कि बहुत ही प्रख्यात इतिहासकार है, इन्होंने ये लिखा, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करने में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र का हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, उत्तर जम्मू कश्मीर के प्रभुत्व संपन्नता संविधान सभा ने भारत के में विलय के अनुमोदित किया, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आसान सा है, ये बताइए हमारा संविधान तो 26 जून 1950 को लागू हुआ ना, तो ये तो सबसे लास्ट होना चाहिए, कब आना चाहिए, हाँ सॉरी रुक जाइए, का है जम्मू कश्मीर का नया संविधान, आपको पता होगा जम्मू और कश्मीर जो कि अब तो खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर, तो इसका जो नया संविधान तो आपका 1957 में लागू हुआ था, जो बहुत टाइम दे दिया गया था, 1957 में लागू हुआ था, इससे पहले हमारा क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन लास्ट में कौन सा है, ये सी, इसका सी ही होना चाहिए, मिला रहते हैं। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले तो उन्होंने हस्ताक्षर किया ना महाराजा हरि सिंह ने, और उसके बाद जो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, तो
तो फिर क्या हुआ, देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या क्या हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। हस्ताक्षर करने के बाद क्या हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है जम्मू कश्मीर के प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में भारत में विलय को अनुमोदित किया। और उसके बाद फिर जब मिल गया था जो अनुमोदन उसका लास्ट में, और फिर लास्ट में फिर उसका क्या किया गया, कह सकते हैं कि फिर ये बताया गया कि भैया हम संविधान को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला हम देखते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट, ये तो पता ही है आपको, ये बहुत ही फेमस है, आपको 1872 में आया था, बहुत ऐसे नियम है जो आज भी चलता है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, इसका आधिकारिक नाम क्या था, द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। इसमें ईसाइयों की विवाह पद्धति से संबंधित प्रावधान दिए गए थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बोला गया था कि जो लड़के लड़कियों की शादी के लिए इसमें नेटिव मैरिज एक्ट में एज बताई गई थी, इसके तहत जो लड़कों की एज थी वो कह सकते हैं कि 18 साल और लड़कियों की एज 14 साल कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ आंदोलन है दूसरी तरफ वर्ष है, कि कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यार मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन तो आप पा भी रहे होंगे, ठीक है। एक पावला आंदोलन है, एक आंदोलन है, संथाल आंदोलन है, ताना भगत आंदोलन है। तो आपको पता होगा कि जो ताना भगत आंदोलन है ये कब हुआ था, 1914 में, कब हुआ था हमारा, 1914 में, तो आ ही रहा होगा वो, ठीक है। फिर जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, सॉरी 1914 बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, ताना भगत। फिर आपका जो संथाल है, संथाल भी बहुत फेमस है, ये आपका 55-56, संथाल कब हुआ था हमारा, 55-56 में। इस तरह जो आपका पावना विद्रोह है ये कब हुआ था, 73-84 से 85 के बीच में, कब हुआ था, 73 से 85 के बीच में। अच्छा हमारे क्या, एक आंदोलन, तो एक आंदोलन का क्या हो जाएगा हमारा सिंपल सा, 1922 कब हुआ था, 1922 इसके अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। पहले हम बात है डी का 4, तो डी का 4 ऑप्शन बी में ही है, तो बाकी पढ़ने का हो सकता है नहीं, इसको सही करके हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं, एक तरफ घटना एक तरफ वर्ष है, ये तो आपको आ ही रहा होगा, फिर भी कोशिश करते हैं। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, सारे सुमेलित लग रहे हैं, बस एक ही सुमेलित नहीं, क्योंकि भाई जो सांप्रदायिक निर्णय है, या सांप्रदायिक निर्णय कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई जो आपके मार्ले मिंटू वाला, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है, कि भैया सबको अलग अलग बांटो राज करो, जब जब प्रधान ब्रिटेन वालों को ये लगा कि भाई बांटो राज कर, राज करो स्टार्ट किया जाए, तो सांप्रदायिक निर्णय जो 1932 में आया था, ना कि 33 में, कब आया था, 1932 में आया था, तो ये हमारे सारे सही है, ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर भी देख लीजिए भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में बिल्कुल सही है, भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में भी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 में, इसमें गांधी जी बात, ये भी सही है, यही गलत है, बाकी खत्म और क्या। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ एक क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, लिखने वाला थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, बट बाकी क्वेश्चन सही है। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, और आपका फिरोजशाह मेहता की मृत्यु। आपको पता है दांडी यात्रा तो 1930 में चली जाएगी, 1930 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब चला जाएगा हमारा, 1919 में चला जाएगा, मतलब देख लिए, केवल अगर दो ही आ रहा है आपको तो 2 के बाद 3 आना चाहिए, ठीक है, 2 के बाद 3, इसमें 2 पहले तो ऑप्शन हट जाएगा, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 ये भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब तो इन्हीं दोनों में आपको चेक करना है, तो ये बताइए क्या साइमन आयोग पहले आया था या फिरोजशाह मेहता, नहीं पहले फिरोजशाह मेहता की मृत्यु हुई थी, 1915 में मृत्यु की हो गई थी, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 पहले आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, तो फिर गांधी की दांडी यात्रा हुई थी, सॉरी सॉरी कह सकते हैं कि आपका दांडी यात्रा से पहले 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति हो गई थी, ठीक है। तो फिर एक फिर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, आपको पता होगा इनके इन पर जो मुकदमा चलाया गया था सीधे लाल किले पर चलाया गया था, ठीक है, और आजाद फौज के जो भी अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इसमें मेजर शाहनवाज थे, कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो थे, कर्नल प्रेम सहगल थे, और इनकी तरफ से जो वकील थे, इनका जो नेतृत्व किया था, बहुत बार पूछा गया, भूला भाई देसाई, नाम याद रखेगा, भूला भाई देसाई, जो गुजराती थे, उन्होंने इनका मुकदमा अपनी तरफ से दिया था, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे का 2 कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं, बंगाल की एशियाटिक, ठीक है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था के अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार किया था, ये सही है आपका। फिर क्या, वारन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भव विद्वान एवं प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत फारसी अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है, तथा इसकी सही व्याख्या भी करता था, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। चलिए ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू, जय हिंद।